हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब ब्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि हमेशा हर बार मैं आपके लिए वीडियो लेकर आती हूँ, स्किन प्रोडक्ट्स से जुड़े हुए वीडियोस लेकर आती हूँ, वैसे आज भी आपके लिए सरप्राइजिंग वीडियो लेकर आए हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फ्रेंड्स रेड मूवी क्रीम के बारे में। फ्रेंड्स, ये जो रेड मूवी क्रीम होती है ये फीमेल्स के लिए खास तौर से होती है। अगर आप इसे अपनी स्किन पर अप्लाई करते हैं तो इसे आपकी स्किन को कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता, बट फिर भी अगर आप इसे अप्लाई कर रहे हैं और इससे आपकी स्किन पर इरिटेशन होती है या किसी भी तरीके के लाल रंग के छोटे छोटे दाने या दाग धब्बे दिखाई दे रहे हैं, रैशेज दिखाई दे रहे हैं, तो आप इसे प्लीज़ अप्लाई ना कीजिए। बिल्कुल भी अप्लाई उस टाइम में नहीं करना है अगर आपको स्किन से कोई साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है। दूसरी चीज़, अगर आप इस मिल्लो क्रीम को अप्लाई कर रहे हैं तो ऑयल से लगाने का भी एक तरीका है, आप इसे डे में अप्लाई कीजिए, इसे नाइट में अप्लाई नहीं करना है। आप नाइट में जो है तो ग्लूटाथियोन से जो है ग्लूटाथियोन बेस्ड कोई अदर क्रीम अप्लाई कर सकते हैं या ग्लूटाथियोन बेस्ड जेल अप्लाई कर सकते हैं। मैंने ग्लूटाथियोन पे भी वीडियोस डाले हैं, आप वहाँ पे मेरे लिंक पे जा करके वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको डे में यूज़ करना है, नाइट में यूज़ नहीं करना है। नाइट में जब आप इसे यूज़ करेंगे तो स्किन आपको डल दिखाई देगी। और फ्रेंड्स, ये सात चीज़ों पर असर करती है, जिसमें सबसे पहले आती है आपकी डल स्किन। अगर आपकी स्किन डल है तो आपको इसे अप्लाई करना चाहिए, आपकी स्किन को फ्रेश लुक देती है। दूसरी चीज़ फ्रेंड्स, डार्क स्पॉट, थोड़े बहुत स्किन पर डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं, वहाँ से कि स्पॉट्स हो जाते हैं, यहाँ पर पिगमेंटेशन के स्पॉट्स हो जाते हैं, तो अगर स्टार्टिंग में ये सब प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो इसे अप्लाई कीजिए, इससे आपको ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। तीसरी चीज़ जो है फ्रेंड्स, मेलानिन, किसी किसी के स्किन में जो है मेलानिन जो है वो बढ़ जाता है, तो मेलानिन को जो है कंट्रोल में रखता है और जो है आपकी स्किन को फेयर करने का काम करता है। फाइन लाइन्स, फ्रेंड्स फाइन लाइन्स की प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए इफेक्टिव है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि फाइन लाइन्स के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, थोड़ा बहुत फाइन लाइन्स के लिए इफेक्टिव है। टैनिंग की प्रॉब्लम है उसके लिए भी है, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, लेकिन मैं कहूँगी कि पिगमेंटेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, या पिगमेंटेशन के लिए आधा नाइट क्रीम यूज़ करके देख सकते हैं। डिस्कलरेशन की प्रॉब्लम है, स्किन के लिए बहुत सामने है तो थोड़ा बहुत क्लीन कर सकता है, लेकिन स्किन बहुत ज़्यादा डार्क है तो बहुत ज़्यादा वाइट करने का काम ये सब क्रीम नहीं करती, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई भी क्रीम नहीं बनी है जो आपको लाइट एंड वाइट एंड वाइट कर दे। ब्लश मिस थोड़ा बहुत स्किन को चमक देती है, रेडियंट देती है, लेकिन बहुत ज़्यादा रेडियंट नहीं देती। तो फ्रेंड्स, ये थी मिल्को क्रीम के बारे में 100% ऑनेस्ट रिव्यू, और ये बिल्कुल मिथ है कि ये क्रीम आपको हरा करती है, बिल्कुल भी सच नहीं है। थोड़ा बहुत स्किन को क्लियर कर सकती है लेकिन बहुत ज़्यादा बुरा नहीं करती। बाकी सूट करने की बात है, किसी के स्किन पर सूट करता है, किसी के स्किन पर सूट नहीं करता। इसके प्राइस की बात करें फ्रेंड्स तो 30 ग्राम का प्रोडक्ट है और 100 रुपीज़ इसकी प्राइस है। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि एक बार अगर आप इसे अप्लाई करके देखना चाहते हैं तो आप इसे एक बार अप्लाई करके देख सकते हैं, और मे बी कि आपकी स्किन पे सूटेबल हो जाए, बट अप्लाई करके देखिए, अगर इससे कोई भी साइड इफ़ेक्ट स्किन पर नहीं हो रहा है तो आप इसे डेली बेसिस पे ट्राई कर सकते हैं। इसे लगाते टाइम आपको ध्यान रखना है कि जब आप डेली इसे लगा रहे हो तो एक भी दिन इसे लगाने पे गैप ना करें, बल्कि डेली लगाएं, तभी आपको इसके रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। इसे सिर्फ डे के टाइम लगाएं, नाइट के टाइम ना लगाएं, और नाइट के टाइम कोई अदर ग्लूटाथियोन से बेस्ड क्रीम आप लगा सकते हैं अगर आप फेयर होना चाहते हैं। तो ये था फ्रेंड्स मिल्को क्रीम के बारे में 100% ऑनेस्ट रिव्यू। इसी तरीके के हमारे प्रोडक्ट से जुड़े और भी ऑनेस्ट रिव्यूज के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।